हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल्स रूल्स, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड है यूजर्स। ठीक है, तो हम अभी यूजर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो यूजर्स स्पेशली जो हमारे होते हैं वो मैक्सिमम हो चुके हैं, बट इससे रिलेटेड, यूजर्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स, कुछ स्पेशल यूजेज होते हैं। आज के वीडियो में हम इसी को देखेंगे। ठीक है, अब इन सभी यूजेस को आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप आसानी से बना सकते हो। जैसा हमारा स्ट्रक्चर कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम सभी सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम ओनली 3 स्पेशल रूल पढ़ेंगे, ओनली 3। ठीक है, फिर जो भी बचे रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के इस वीडियो में ओनली 3 स्पेशल रूल्स यूजेस देखेंगे, वो भी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे होगा। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एग्जांपल्स और सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए, पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास नाउन या प्रोनाउन। पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, नाउन या प्रोनाउन आएगा। फिर TOO, टू का मतलब होता है भी, और भी या भी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या स्पेशल रूल पढ़ेंगे, आप माइंड में सेट कर लो कि जिस भी टेंस के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस होंगे उस टेंस का हम रूल अप्लाई करेंगे। या प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का रूल, टेंस का रूल अप्लाई करेंगे। या पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट का रूल अप्लाई करेंगे। या फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर का रूल अप्लाई करेंगे, बट हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सभी सेंटेंसेस हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन की यूज करने वाले हैं। फिर हम TOO, स्पेशली ये यूज बोल सकते हैं TOO। ठीक है, कि TOO का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए अब इन सभी सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे तो और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। पहला है राम भी। आप हिंदी वर्जन में देखोगे कि सब में भी लगा रहेगा, भी। ठीक है, राम भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस कार्य को, एक्शंस को कर रहा होगा, बट एक स्पेशली एक जो सब्जेक्ट आएगा इसको बताया जाएगा कि ये भी उस कार्य को, एक्शन को कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, TOO का। पहला सेंटेंस है राम भी मुंबई गया। तो कैसे, पहला हम राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद क्या यूज करेंगे, नाउन भी आ सकता है प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। टू, राम टू। ठीक है, बट इसमें आप ध्यान देना है यहाँ पे कामा यूज करना है, राम टू। ठीक है, फिर कामा, फिर दो बार आपको कामा यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे वेंट पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे, वेंट टू मुंबई। ठीक है, वेंट टू मुंबई, बट आप ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद कामा यूज करना है, फिर TOO उसके बाद कामा यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कार भी खरीदी गई, कार टू खरीदी गई, मतलब ये किस में हो गया, पैसिव वॉज में हो गया। ठीक है, पैसिव वॉज में वॉज, वो भी पैसिव वॉज किस में है, पास्ट का है, पास्ट में टेंस का है, तो कार टू वॉज बॉट, तो पैसिव वॉज का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वह भी मौजूद था, ही, अभी प्रोनाउन आ गया हमारा, ही टू वॉज प्रेजेंट, ही टू वॉज प्रेजेंट। अब रिटेन में ध्यान देना कि आप ये जो कामा है इसको यूज करना है। ठीक है, मैंने भी गाना गाया, आई टू सैंग अ सॉन्ग, सैंग अ सॉन्ग, पास्ट टेंस में भी। जैसे राम भी मुंबई गया, जिसको हम प्रेजेंट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, राम भी मुंबई जाता है, तो क्या हो जाता, राम टू गोज टू मुंबई। तो जिस भी टेंस में हमारे सेंटेंसेस होंगे तो उस टेंस के हम रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वह बच्चा भी स्कूल गया तो क्या हो जाएगा, दैट चाइल्ड टू वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। उसने मिठाइयां भी खरीदी, उसने मिठाइयाँ भी खरीदी। तो अब देखिए, मिठाइयाँ भी किसके लिए आया है, मिठाइयों के लिए, तो क्या उसने खरीदी, ही बॉट
ही बॉट स्वीट्स टू, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो टू आएगा ये भी आएगा किसके लिए काम कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट के बाद है तो इसके लिए कर रहा है इंडिकेट, बट यहाँ पे मिठाइयों के लिए यूज किया, जैसे उसने मिठाइयाँ भी, उसने और भी चीज़ें खरीदी बट इसके साथ साथ मिठाइयाँ भी खरीदी, तो स्वीट्स टू हो जाएगा। यहाँ पे हम टू अब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए टू काम करेगा भी तो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट के बाद आ रहा है बट इसमें क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है टू, तो ऑब्जेक्ट के बाद मैंने राइट किया, ठीक है। मैंने भी, अब देखिए यहाँ पे भी किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है, तो आई टू लिखेंगे, आई टू कपड़े धोए, वॉश्ड, पास्ट टेंस है, आई टू वॉश्ड क्लॉथेस, क्लॉथेस, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन ने भी परीक्षा दी, मोहन टू, मोहन टू took एग्जाम, एग्जामिनेशन में बैठा आया है, हिस्सा लिया। वह भी पत्नी के साथ लंदन गया, ही टू वेंट टू लंदन विथ हिज वाइफ, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, ठीक है। हम लोगों ने भी उसकी मदद की, वी टू, वी टू हेल्प्ड हिम। अब ये हो जाता हम लोग भी उसकी मदद करेंगे, तो वी टू विल सेल हेल्प हिम, ठीक है। तो जिस भी टेंस में होगा उस टेंस का हम रूल अप्लाई करके सेंटेंसेस बना लेंगे। मैक्सिमम इसमें हमारे किससे रिलेटेड थे, पास्ट से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस थे, तो पास्ट का रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा, जिस भी टेंस में होगा उस टेंस का रूल अप्लाई करो, बट ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद टू होगा, वर्ब होगा, ठीक है। बट ये डेडिकेटेड या स्पेशली ऑब्जेक्ट के लिए होगा, जैसे ये वाला था, उसने मिठाइयाँ भी, तो अब ऑब्जेक्ट के बाद राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, सेकेंड हमारा है इवन का यूज़। अब हम इवन का भी, जो भी आता है सेंटेंसेस में, भी के लिए हमने अभी क्या देखा, ठीक है, टी डबल ओ, बट हम भी के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं इवन, ठीक है, इवन। अब इवन का यूज़ कहाँ करना है भी के लिए, अब उसका यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, पहले सबसे पहले हमको इवन लिखना है, ठीक है, फिर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, फिर देखिए वर्ब, मतलब इवन के बाद हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और वर्ब, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि इवन भी सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो इवन फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन। यदि इवन वर्ब के लिए काम कर रहा है तो इवन के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। अब ये जो हमारे सेंटेंस है इसको करेंगे तो सभी आपको एग्जाम्पल्स इसमें मिलेंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है हमारे पास मेरे मित्रों ने भी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी वर्ड है ये किस के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है, मेरे मित्रों ने भी। आप ध्यान देना, ये जिसके लिए काम कर रहा होगा आप उसी के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है, उसी के बाद आप यूज करेंगे। देखिए मेरे मित्रों ने भी, ये तो मित्रों के लिए भी वर्ड काम कर रहे, मेरी मदद नहीं की, ठीक है, मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। क्या यूज करेंगे, इवन, सबसे पहले हमने बताया था इवन यूज करना है, इवन। अब क्या, ये किसके लिए, ये इवन जिसके लिए आ रहा है उसको लिखेंगे, इवन माय फ्रेंड्स, इवन माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों ने भी, इवन माय फ्रेंड्स। अब जिस भी टेंस में होगा उस टेंस का हम रूल अप्लाई कर देंगे, नहीं कि, मतलब ये पास्ट टेंस है तो डिड नॉट हेल्प मेरी, मी, ठीक है। वह मुझसे बोला भी नहीं। अब देखिए ये भी किसके लिए आ रहा है, बोलने के लिए, बोला भी नहीं। अब ये वर्ब हो गया, तो ये वर्ब, मतलब भी किसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है। यहाँ किसके लिए आ गया था, नाउन के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी इवन किसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो बताया इवन नाउन के लिए भी आ सकता है, प्रोनाउन और वर्ब के लिए भी आ, तो अब यहाँ पर हम वर्ब से पहले लिखेंगे इसको, इवन को, ठीक है। उसने मुझसे बोला ही भी नहीं, ये भी पास्ट में है, इसको कैसे करेंगे,
पहले ही डिड नॉट, पास्ट का रूल अप्लाई करेंगे ही डिड नॉट। अब जिसके लिए आया उसके जस्ट पहले ही आप उसके जस्ट पहले ही इवन लगाना है, ही डिड नॉट इवन स्पीक टू मी। देखिए स्पीक के लिए आया था, बोलने के लिए आया था, इसके पहले जस्ट क्या लग गया, इवन लग गया, स्पीक टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है भिखारी, भिखारी के भी दिल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी किसके लिए आया होगा, भिखारी के लिए, तो इवन सब्जेक्ट के लिए आया तो हम इवन को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इवन अ बेगर इवन अ बेगर हैज अ हर्ट। इवन किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए, मीन्स हमारे नाउन के लिए आया तो इसके पहले आ गया। ठीक है, जब सब्जेक्ट के लिए आया तो इवन को पहले, अब वर्ब के लिए आया तो जस्ट वर्ब के पहले यूज करना है। वह खड़ा भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए भी किसके लिए आ गया, खड़ा होना वर्ब के लिए आ गया, तो पहले हम सेंटेंस को बनाएंगे जैसा हमारा टेंस होगा। वह खड़ा भी नहीं हो सकता, ही कैन नॉट इवन स्टैंड। वर्ब के पहले आ जाएगा इवन हमारा। वह बोल भी नहीं सकता, बोलने के लिए वर्ब के लिए आया है, नहीं सकती, सी कैन नॉट कॉन्ट इवन स्पीक। तो ए भी के लिए इवन का भी यूज हम इस तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, वह पानी भी नहीं पी सकती, she cannot even drink water। इसे एक बच्चा भी नहीं जानता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बच्चा भी, तो भी किसके लिए आया, एक बच्चे के लिए, तो इवन अ चाइल्ड, इसे एक बच्चा भी जानता है, इवन अ चाइल्ड जानता है, नोज सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंफिनिटिव है, प्रेजेंट इंफिनिटिव का रूल अप्लाई करेंगे, इवन अ चाइल्ड नोज हिम, इसे एक बच्चा भी जानता है। इस बॉक्स को एक बच्चा भी उठा सकता है, एक बच्चा भी, अब देखिए जो भी वर्ड आया किसके लिए, एक बच्चा के लिए आया, तो क्या यूज करेंगे, इवन अ चाइल्ड कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, शिक्षक भी हड़ताल करते हैं, तो शिक्षक भी, एक भी किसके लिए आया, टीचर के लिए आया, तो इवन टीचर हड़ताल करते हैं, इवन टीचर प्रेजेंट टेंस में है, टीचर इवन शिक्षक भी। ठीक है, इवन टीचर्स, शिक्षक बहुत से हो गए, हड़ताल करेंगे तो बहुत से टीचर सम्मिलित होते हैं तो टीचर्स हो जाएंगे। ठीक है, प्लूरल बनाना सब्जेक्ट, इवन टीचर्स गो ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर। ठीक है, उसने एक शब्द भी नहीं समझा। अब ये भी किसके लिए आया, एक शब्द के लिए, उसने नहीं समझा, he did not understand even a word। अब यहाँ आप देखोगे इवन किसके लिए आया, एक वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के लिए आया तो इवन इसके पहले लगा, वर्ब के लिए आता तो यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए, एक शब्द के लिए आया तो ऑब्जेक्ट के पहले इवन का यूज हुआ। रेडियो भी गलत समाचार प्रसारित करता है, अब भी किसके लिए आया, रेडियो के लिए आया, तो इवन
क्या यूज करेंगे, इवन, इवन रेडियो, इवन किस में है, प्रेजेंट एवरटेंस में है, इवन रेडियो ब्रॉडकास्ट, इवन रेडियो ब्रॉडकास्ट फेक न्यूज, न्यूज इवन रेडियो ब्रॉडकास्ट फेक न्यूज। ठीक है, रेडियो में बहुत से चैनल, इसको प्लूरल मैंने बना दिया इसलिए इसमें यस या यस यूज नहीं किया। ठीक है, इवन रेडियो ब्रॉडकास्ट फेक न्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवन का यूज किसके सेंस में, भी के सेंस में करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि भी जिसके लिए काम कर रहा होगा उसके जस्ट पहले, जैसे यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा था नाउन के लिए, तो इसके पहले आ गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के लिए भी काम कर रहा है तो वर्ब के पहले आ गया। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के पहले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इवन का यूज हम करेंगे किसके सेंस में, भी का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट जो हमारा यूज है स्पेशल टाइप का, इसको देखते हैं। अब ये क्या है, इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं, जैसे इसमें भी आप देखोगे भी, इसमें भी आएगा। ठीक है, इसमें भी आप क्या आएगा, भी। तो आज का जो स्पेशली यूज है, डेडिकेटेड है ओनली ऑन भी वर्ड जो आता है सेंटेंसेस में। पहला जो स्ट्रक्चर था वो भी पे डिपेंड था, सेकंड भी पे आया, और थर्ड भी जो हमारा है ये भी पर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर ये है, पहले हम क्या यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव क्लॉज। मतलब इसमें दो हिस्से होंगे, अफर्मेटिव क्लॉज जब क्लॉजेस की बात हो तो उसमें दो हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो हिस्से होंगे, मतलब दो सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, उमा गाती है और मंजू भी, मतलब जो गाने का कार्य है ये सब्जेक्ट उमा भी कर रही और मंजू भी कर रही, मंजू भी। ठीक है, मोहन नेता है, अब नेता होना क्या है, मोहन भी है, बट इसके साथ साथ कौन है, सोहन भी है। मतलब एक ही कार्य आपको एक्शन मिलेंगे। ठीक है, एक ही एक्शन बट करने वाले दो लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए दो पार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले हिस्से को लिखेंगे, पहले पार्ट को, जिसको हम अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव क्लॉज कहते हैं। और ठीक है, और भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, एंड सो, इसका हम एंड सो का यूज भी बोल सकते हैं, एंड सो लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद या तो ऑक्सिलरी यूज करना है या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट कौन, ए वाला, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा ए वाला यूज करना है आपको। ठीक है, अब इन सभी से मतलब जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इनको करेंगे इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तब आप जाके अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इन सब सेंटेंसेस को, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं, पहला है हमारे पास उमा गाती है और मंजू भी। तो पहले हम इसको बनाएंगे, जिस भी टेंस में मैंने बताया, जितने भी आप यूजेस पढ़ रहे हो यूजेस में कोई भी टेंस आ सकता है, तो जिस भी टेंस में आए उसी टेंस का आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, उसी टेंस का रूल आपको फॉलो करके उसको बनाना है। पहला, उमा गाती है प्रेजेंट टेंस है, तो उमा सिंग्स, ये हमारा अफर्मेटिव क्लॉज हो गया, उमा सिंग्स, इतना हो गया। ठीक है, और मंजू भी, उमा सिंग्स हो गया, एंड क्या यूज करेंगे अब सब में हम क्या यूज करने वाले, एंड सो, एंड सो का मतलब होता है और ऐसा भी, और ऐसा ही, ये जो एक्शन है और ऐसा ही कौन काम करता है, मंजू भी। ठीक है, इसका मतलब होता है और ऐसा ही, उमा सिंग्स एंड सो। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे या तो हेल्पिंग वर्ब, तो जिस टेंस में होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट जो लास्ट वाला। अब ये किस टेंस में था, ये जो एक्शन है आप इसको देखो, ये जो एक्शन सिंग है, गाना गाना, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और जानते हैं प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डज, डज। अब क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा मंजू,
समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएं। अब चलिए और भी करेंगे तो सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मोहन नेता है, मोहन पहले हम सिंपल बना लेंगे, सिंपल सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग मोहन नेता पहले इतना कर लेंगे, मोहन इज लीडर, मोहन इज अ लीडर, हो गया इतना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड सो, एंड सो, एंड सो सोहन भी। अब इसके साथ क्या, अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये चूज करना है, या तो ऑक्सिलरी होगा या तो हेल्पिंग, तो ये जिसमें होगा उसी का हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। ये इज है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, तो इज यूज करेंगे, इज सोहन। देखिए ऑक्सिलरी आया तो ऑक्सिलरी यूज हुआ, ये टेंस का आया तो टेंस का हमने क्या है हेल्पिंग वर्ब यूज किया, तो ऑक्सिलरी भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब आएगा। और हेल्पिंग वर्ब जानते हैं टेंसेस में आता है, ऑक्सिलरी जो सिंपल यूजेज होते हैं उसमें आता है। नेक्स्ट है उषा खेलती है और रेखा भी, ए, टेंस आ गया प्रेजेंट में टेंस, तो क्या हो जाएगा उषा प्लेज, उषा खेलती है, एंड सो, एंड सो यूज कर लेंगे, एंड रेखा भी। अब ये इंडिविजुअल टेंस में है तो क्या लगाएंगे, डज, डज रेखा। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि यहां पर रेखा के जगह पे मैं होता, मैं उषा खेलती और मैं भी, तो यहां पर आप ध्यान देना, मैं इसको इरेज करता हूं, रेखा की जगह मैं होता तो यहां पे डज यूज नहीं करते, ठीक है। यहां पे जो डज या डू हेल्पिंग वर्ब आता है किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा, ये जो सब्जेक्ट होगा मैं भी होता तो यहां पे क्या यूज कर लेते, डू आई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप समझो इस, ये हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है सेकंड वाला, उस ये वाला इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, आप समझना इस चीज़ को, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको बना देते हैं हम, उषा प्लेज एंड सो डज जो आया रेखा के लिए आया, रेखा। नेक्स्ट पिता कंजूस है पुत्र भी, इसको कैसे बनाएंगे, फादर, ठीक है, फादर, पिता कंजूस और पुत्र भी, फादर इज अ माइजर एंड सो इज, अब एक्सिलरी हुआ तो इज, इज द सन, वह तेज है और मैं भी, ही इज तेज है, ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एंड, अब देखिए मैं भी, अब इसके साथ देखिए यहाँ एक्सिलरी आया, एक्सिलरी आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम आई, ठीक है, इसके अनुसार यूज करना, एम आई हो जाएगा। मैंने सुना और उसने भी, मैंने सुना और उसने भी, तो क्या हो जाएगा, आई लिसन, आई लिसन पास्ट टेंस है, आई लिसन एंड सो हो गया उसने भी। अब इसके अनुसार टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डीड, एंड सो डीड उसने भी, ही, आई लिसेंड एंड सो डीड ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझो पहले, देखो आप समझो इस बात को कि जब टेंस में आए, तो टेंस में जब आते हैं तो हम किसकी अग्रणी की बात नहीं करते, किसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। अब ये टेंस किस टेंस का है, पास्ट टेंस टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस के अनुसार हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डीड यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या यूज करते हैं, डज या देखिए डू यूज आता था, ऐसे पास्ट में हो जाएगा तो ये आ जाएगा, डीड आ जाएगा। अब फ्यूचर में होगा तो क्या होगा, यहाँ विल या शैल के अनुसार, यहाँ तो आएगा ही यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचर में भी आ सकता है। तो जैसा जिस टेंस में आया वैसा आपको यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, वह परिश्रमी है और उसका पुत्र भी, ही इज इज वर्क हार्डर, परिश्रमी, वर्क हार्डर यूज करें नहीं, क्या यूज कर सकते हैं,
परिश्रमी मतलब लेबर, ठीक है, परिश्रमी, ठीक है, वह परिश्रमी है और उसका पुत्र भी, ही इज लेबर एंड सो, ही इज लेबर एंड सो, अब ऑक्सिलरी आ गया एंड सो इज आ जाएगा, द सन के लिए क्या यूज होगा, इज होगा ऑक्सिलरी, ठीक है, इज द सन। राधा ईमानदार थी और सीता भी, तो राधा वाज ये पास्ट में है, तो राधा वाज ऑनेस्ट, राधा वाज ऑनेस्ट एंड सो, अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, एंड सो वाज अब पास्ट में है ऑक्सिलरी, तो पास्ट का ही ऑक्सिलरी यूज करेंगे, एंड सो वाज सीता, ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। मैं गा रहा हूँ और वहाँ भी, अब देखिए किस टेंस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो आई एम सिंगिंग, ये हमारा अफर्मेटिव क्लॉज हो गया इतना, अब फिर क्या यूज करेंगे, एंड सो मैं गा रहा हूँ, ठीक है, एंड सो अब इसके साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वह भी, अब वह के साथ के हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज एंड सो इज ही, ठीक है, उसने यह किताब पढ़ी और मैंने भी, ही रेड का सेकंड फॉर्म रेड ही होता है, ठीक है, ही रेड दिस बुक, पास्ट टेंस में है, ही रेड दिस बुक एंड सो यूज करेंगे, देन अब इसके अनुसार इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा पास्ट टेंस अकॉर्डिंग, डिड आ जाएगा, एंड सो डिड आई, मैंने भी ऐसा ही किया, ठीक है। इस तरीके से हमने एंड सो का यूज करके भी के लिए यूज किया, मतलब एक ही एक्शंस कितने लोग कर रहे थे, दो लोग, ठीक है, तो इस तरीके से हम एंड सो का यूज करके बनाते हैं। फिर मैंने इवन से रिलेटेड बताया, और पहला हमारा क्या था, जब भी आ जाए, ठीक है, टू का यूज करके, तो इन सभी जो हमारे कुछ स्पेशल रूल हैं, इन सब पर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स बनाओ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासेस में, ठीक है, डिस्कस करो, तो आप अच्छे से इन सब में परफेक्ट होते चले जाओगे। तो आशा करते हैं आज का जो स्पेशल रूल था हमारा, ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, तब तक के लिए।